ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण जो पवित्र आत्माएं हैं और जो योग का अभ्यास करते हैं उनमें बहुत ताकत रहती है। हमें अपनी शक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। पवित्र बनते ही हमारी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। यदि हम आत्मिक दृष्टि रखकर किसी से बात करेंगे तो उस पर बहुत गहरा प्रभाव जाएगा। सोचो, सर्वशक्तिमान से हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर कितनी शक्तियां होंगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं। स्वयं बाबा ने हमें टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। याद रखेंगे, जो मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती और सफलता तो उनके आगे पीछे घूमती है। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल जाता है तो उसे छोटी बात, छोटी समस्याएं बहुत भारी लगती हैं और वो सोचता है ये जीवन भी कैसा है, भगवान के भी बन गए, संपूर्ण सत्य ज्ञान भी मिल गया, लेकिन जीवन से उलझने समाप्त नहीं हुई। बस एक ही तरीका है, अपनी शक्तियों में विश्वास, अपनी शक्तियों को पहचानना। अपने को कभी भी कमजोर नहीं मानेंगे। जब से हम बाबा के बने, बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं। हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं कि ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं, उनको हम यूज करेंगे तो अनेक समस्याओं में हमें बहुत ही सहजता का अनुभव होगा। एक विजन बनाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे सामने 8 शक्तियां खड़ी हैं, मानो 8 जनरल्स खड़े हैं, सेनापति खड़े हैं। ये मेरे सेनापति हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो मुझे कह रहे हैं हम तुम्हारे सदा साथ हैं, हम तुम्हारे हर आदेश का पालन करेंगे, तुम्हारे आह्वान पर हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। तो रोज एक बार ये विजन बना लिया करें, मैं सर्व शक्तियों का मालिक हूँ, इन पर तो मेरा अधिकार है। तो ये शक्तियाँ हमें सदा मदद करती रहेंगी और एक समय ये आएगा कि हमें सोचना और देखना भी नहीं पड़ेगा कि किस शक्ति का आह्वान करें। ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियाँ काम करती रहेंगी। इसलिए लंबा काल इस अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है कि मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और सर्व शक्तिवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। तो आप देखेंगे, यदि आपको सहन करना है तो सहज रूप से सहन शक्ति काम कर रही है। यदि आपको कहीं सामना करना है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे सामना कर लेंगे कि आपको उसकी अनुभूति भी नहीं होगी। आपको परखना है, सहज ही परख पाएंगे। नेचुरल रूप से परखने की शक्ति काम करती रहेगी। साथ में याद किया करें, मेरे पास विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी है, तो इससे एकाग्रता बढ़ती रहेगी। तो आइए आज सारा दिन हम ये विजन बनाकर रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और 8 शक्तियां सेनापतियों के रूप में मेरे सामने विराजमान, मेरे जैसे बॉडीगार्ड, मेरे संपूर्ण सहयोगी हैं। तो दिन में कुछ बार
इस डीप अवेयरनेस को अपने अंदर ले आएंगे तो बाकी सभी कमजोरियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। ओम शांति।